नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्यामा परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। केजरीवाल सरकार का यूटर्न, दिल्ली के दो बाजारों को सील करने का फैसला लिया। वापस पश्चिम दिल्ली के जिलों के पंजाबी बागा और नागलोई क्षेत्र में दो बाजारों को बंद करने का अपना आदेश लिया गया वापस। डीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये दोनों बाजार 30 नवंबर तक रहने थे बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी में दिल्ली में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, 6.9 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में 17 साल बाद नवंबर में कल था सबसे ठंडी रात। दिल्ली की हवा में फिर बढ़ रहा प्रदूषण, सोमवार सुबह ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार हुआ खत्म, अमेरिका में 11 दिसंबर को लगेगा COVID-19 का पहला टीका। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, आज दिल्ली में पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया और दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 81.53 रुपये प्रति लीटर। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ कर सकते हैं बैठक। कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री पहले भी लगातार कई बैठकें कर चुके। 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा भारत। सऊदी अरब में हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन, अब 2021 में इटली में होगा अगला सम्मेलन। ड्यू में PG के 13 कोर्स में दाखिले 25 से शुरू, 23 नवंबर दोपहर 1 बजे तक दाखिला पोर्टल पर छात्रों को अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा। मंगोलपुर इलाके में कोविड दिशा निर्देश का उल्लंघन कर मेहंदी समारोह आयोजित करने पर दूल्हे के पिता और टेंट हाउस मालिक पर केस दर्ज, समारोह में करीब 400 लोग थे मौजूद। NCB के लॉकअप में कटी कॉमेडियन भारती सिंह की रात, सुशांत केस में NCB ने भारती और हर्ष को किया गिरफ्तार, कोर्ट में सुनवाई आज। फिलहाल तो आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।